चलते कल हुए झड़प के बाद पूरे मामले को लेकर लगातार उपद्रव फैला और इस बीच दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। बता दें कि इस पूरे मामले में 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लगभग 300 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। और फिलहाल अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान में जुटी हुई है। लाल किला हिंसा में 10 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, करीब 200 प्रदर्शनकारी हिरासत में ले गए हैं। दिल्ली पुलिस आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जहां पर लाल किले के ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने लाल किले का जायजा लिया है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिंसा को लेकर बैठक ली है। किसान रैली के दौरान हिंसा का यह पूरा मामला है, जहां पर दिल्ली हिंसा को लेकर याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर है। याचिका में हिंसा की न्यायिक जांच की जाएगी। दिल्ली हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय सख्त है, जहां पर उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हिंसा में शामिल किसी को भी न बख्शने के निर्देश है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई गंभीर भी बने हुए हैं। लाल किला कांड की जांच में तेजी से दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। लाल किले पर चढ़ने वालों को वीडियो क्लिप की पहचान की जा रही है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भी पहचान की जा रही है। हिंसा वाले इलाकों में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि लाल किला हिंसा में बड़ी कार्रवाई अभी तक हुई है, जिसमें 10 आपराधिक धाराओं में केस दर्ज हुआ था। डकैती की भी धारा लगाई गई थी। क्राइम ब्रांच लाल किला की हिंसा की जांच करेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जन टीवी संवाददाता सतबीर हमसे जुड़ चुके हैं। सतबीर, क्या कुछ हालात है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ा यहाँ पर बदलाव देखने को मिला कल के हुए उपद्रव को लेकर। स्थितियां क्या कुछ अभी है? आज के हालात शांतिपूर्ण है, मगर कल की बात की जाए तो कल 26 जनवरी का जो हालात हुए वो देश के हित में नहीं है, क्योंकि हमारे प्रेमी धंधे का मान सम्मान नहीं रखा गया। ये दोनों तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये लोग ये भी भूल गए कि हमारे को लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और इस दोनों पे ही इज्जत को ये है कि दोनों दोनों तरफ से ही बड़ी शर्म की बात है, किसानों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। जो लाल किले में जो घटना हुई वह देश के लिए हित में नहीं है और ना हमारे हित में है, क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए गणतंत्र दिवस है। मगर अभी कार्रवाई चल रही है और फुटेज संभाली जा रही है, मगर किसान अभी भी बोल रहे हैं कि ये जो उग्रवादी थे ये हमारे पार्टी से नहीं गए, ये किसान नहीं थे, ये और ही कुत्ते थे। मगर सरकार भी एक तरफ बोल रही है कि ये किसानों के ही बंदे थे। मगर एक बात तो यह है कि ट्रैक्टर लाल किले तक पहुंचे हैं, ये सिद्ध हो गया कि कुछ ट्रैक्टर लाल किले पर थे। हम मगर हम ये नहीं जानते कि ये ट्रैक्टर किसके थे और किसने बुलाए थे। मगर अभी सीसीटीवी कैमरे से पहचान कर ली जाएगी कि कौन बंदे थे और जल्द ही बंदे पकड़ में होंगे। जब दिल्ली पुलिस का कहना है तो सरकार भी अभी बिल्कुल सख्त हो गई है और दिल्ली के अंदर सीआरपी की और 10 कंपनियां बढ़ा दी गई हैं। जगह जगह पर सीआरपी भी है और पुलिस भी है, मगर किसान भी बार बार मीटिंग कर रहे हैं। और किसानों का कहना है कि शरारती तो हमारे अंदर से नहीं हो सकते। हम 7 दिन से ये आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय चला रहे थे और हमने किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे शांति भंग हो। ये है किसानों का कहना। मगर सरकार का कहना है कि किसान दिए हुए टाइम से पहले ही दिल्ली के अंदर चले आए और उन्होंने बैरियरों को तोड़ दिया गया और लाल किले तक किसानों के ट्रैक्टर पहुंच गए। ये एक शर्मनाक बात है पूरे देश के लिए। जी सतबीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे जन टीवी संवाददाता सतबीर हमसे जुड़े हुए थे। तो बता दें कि गुरुग्राम में हालात अभी सामान्य है। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, लाल किले के प्राचीर पर उपद्रवियों द्वारा तिरंगा फहराने के अलावा वहां पर खालसा झंडा फहराया गया था, जिस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय यहाँ पर अलर्ट पर मोड पर है। साथ ही दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में सख्ती दिखाती नजर आ रही है। 200 उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 300 जवान इसमें जख्मी हुए हैं, कई की हालत गंभीर भी बनी हुई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अभी तक जाँच की जा रही है कि आखिर वो कौन उपद्रवी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। किसान आंदोलन के बीच हुए दिल्ली में तांडव के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की बैठक रद्द हो गई है। अब कमेटी की बैठक 29 जनवरी को होगी। इसमें कमेटी किसान संगठनों के नेताओं से कृषि कानून को लेकर चर्चा करेगी।